फेस्टिवल डेली लाइफ पार्टी चाहे जो भी हो, हमें खुशी मिलती है अच्छा दिखने से, और इसके लिए चाहिए बेस्ट आउटफिट, और इसे पूरा करने के लिए विमेंस स्पेशल धी पनाश। यहाँ आपको मिलेगी कैजुअल, फॉर्मल, पार्टी वेयर, हैंडलूम, डिजाइनर साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड के लिए साड़ियाँ, रेडी टू वेयर साड़ियाँ, डिजाइनर लहंगों की प्रीमियम रेंज, रेडी टू वेयर ब्लाउज, हैंड एम्ब्रॉयडरी के ब्लाउज, डिजाइनर एवं एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, एजेंसी हाउस आर्केट, ग्राउंड फ्लोर, क्लॉक टावर के सामने, एबरडीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। आरपी हॉस्पिटल मायाबंदर में डॉक्टर की लापरवाही से 7 साल की बच्ची की मौत हुई। बच्ची का नाम जीरिया है, जो कोकाडेरा मायाबंदर की रहने वाली थी। 21 तारीख को सुबह 10 बजे जिसकी मौत हुई। हमने बच्ची की मां से संपर्क किया तो उनका कहना था कि बच्ची 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, डॉक्टर्स की लापरवाही से उसकी मौत हुई है। मां ने कहा कि इस मामले में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा है कि हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा नहीं होने की वजह से हुआ है, इसे हॉस्पिटल की लापरवाही कह सकते हैं। चलिए सुनते हैं बच्ची की मां ने हमसे क्या कहा। तो बताइए, बच्ची का नाम क्या था और कैसा ये हुआ? उनका नाम सर मेरा या बेटी का रिया। जी 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 रिया उनका नाम था। उसकी 7 साल की थी सर, क्लास 2 में पढ़ती थी सेंट मेरी स्कूल में। मेरे बेटी को 17 तारीख को फीवर उठा था, बुखार, तो हम उसको मेडिकल लेके गई। मेडिकल लेके जाके दवाई लेके आया और बुखार का दवाई लाके खिलाई, बच्चा को बुखार उतरा नहीं फुल रात भर। तो हम दूसरा दिन फिर लेके गई, दूसरा दिन लेके गई तो डॉक्टर उनको एडमिट कर दिया। एडमिट करा, ठीक था सर, बच्चा मेरा खेलता कूदता था। जी। बुखार मतलब आता जाता था लेकिन खेलता भी था। जी। पता नहीं सैटरडे ना 20 तारीख तो क्या इम्प्रूवमेंट कुछ दिखाई देता था, जैसे कि आपने एडमिट किया उसके बाद में कुछ इम्प्रूव दिखाई दिए? नहीं सर, मेरा बच्चा को सिर्फ बुखार था, उल्टी करती थी, दवाई दिया तो ठीक हो गया था। जी ठीक हो गया था, फिर क्या बोलेंगे सर बच्चा को। अच्छा खेलती थी 20 तारीख शाम तक, शाम को उसको बुखार का दवाई दिया, बुखार चढ़ता बोल के। मेरा बच्चा 8 बजे तक सोती थी, फिर हम बोली मेरा बच्चा को कुछ खिलाएगा, 8 बज गया अभी तक उठता नहीं है बोल के उसको हिला उलो के उठाई। उठाया तो बच्चा बोलती कुछ नहीं खाएगा कुछ नहीं खाएगा, बोलते बोलते उसको ठंडा पकड़ लिया, पूरा ठंडा ठंडा इतना पकड़ा कि 4-5 कंबल ढाका बच्चा को पूरा ठंडा। उनके बाद में बच्चा थोड़ा नॉर्मल हुआ, सुई मारे ठंडा पकड़ते था। तो उस समय डॉक्टर थे क्या वहाँ पे? नहीं नहीं सिस्टर थी और एक वार्ड बॉय था सर। जब आप बोल रही है कि 5 कंबल उनको ओढ़े, तो वैसे में आप जी। हम अपना बेड से बगल वाला से लेके चद्दर ढाकी, बाद में बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता तो एक कंबल पूछा वार्ड बॉय से, फिर एक कंबल दिया, फिर बच्चा को ढाकी, तो उनको फिर एक सिस्टर आके सुई मारा। सुई मारने के बाद में बच्चा आधा घंटा तक ठंडा से एकदम कांपती थी सर, कांपते कांपते बच्चा फिर नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होने के बाद में थोड़ा देर बाद में उसको उल्टी होना शुरू हुआ सर। ठीक करते करते हम नोट नहीं करी, हम शाम का टाइम में 1-2 अनार का बीजा खाई थी, तो हम सोची शायद कलर वो अनार का वजह से आता है। तो 1-2 बीजा में बच्चा का उल्टी इतना देर तक कैसा लाल लाल हो सकता बोल के हम एक डब्बा में बच्चा को उल्टी कराई। उल्टी कराने के बाद देखता तो पूरा खून था सर डब्बा में, पूरा ब्लड आता था बच्चा को, पूरा ब्लड आता था। तो हम जाके सिस्टर को बोली, सिस्टर उसी टाइम उसको ब्लड रुकाने के लिए एक सुई लाके मारी सर। सुई लाके मारा, पता नहीं बच्चा को क्या हुआ, बच्चा उल्टी तो रुक गया। कितने घंटे के देखिए आप बता रहे हैं, कंबल दिए उसके बाद में खून उल्टी हुआ ये आप बता रही है, तो ये कितने घंटे तक हुआ? क्योंकि उसके बीच में आप बोल रही है कि डॉक्टर्स नहीं आए वहाँ पे। नहीं 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 डॉक्टर नहीं आया सर, ये शायद उनको ठंडा पकड़ा था, 8 बजे से 8:30 बजे तक ठंडा पकड़ा होगा। फिर उनके बाद में ठंडा ठीक होने के बाद 9-9:30 का बाद में पूरा उल्टी होता था, पूरा उल्टी उल्टी बाद में खून आया। तो हम सिस्टर को बोली तो सिस्टर उसी टाइम डॉक्टर से बात करी शायद,
बात करने का बाद में बच्चों को क्या इंजेक्शन ला के मारी नहीं पता डॉक्टर सर। उसके बाद में डॉक्टर नहीं या सिस्टर, सिस्टर इंजेक्शन मारी। जी जी सिस्टर मारी, फिर बच्चा नॉर्मल हो गया। तब भी डॉक्टर नहीं आया जी। नहीं डॉक्टर नहीं आया। फिर उसके बाद में बच्चा एक झटका से बच्चों को फिट आया सर, पूरा बदन मोड़ दिया मेरा बच्चा, पूरा बदन मोड़ दिया। 1 बजे का टाइम, 1 बजे तक भी डॉक्टर नहीं आया। उसके बाद में सिस्टर वार्ड में कम बोलती है सर को बुलाइए, सर को बुलाइए, आता है सर को फोन करता है बोलते सर, लेकिन डॉक्टर कितना लेट आया, 1 बजे का बाद में आया डॉक्टर। क्या क्या सुई मारा नहीं पता, बच्चा फिट आया बोल के एक सुई मारा, फिर बच्चा को फिट रोक में उसको सुलाने के लिए वो फिट में और सुई मारा सर उस बच्चा को, मतलब मेरा बच्चा कमजोर था और सुई कॉपर सुई मारते गया सर, मेरा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सका बदन। और सुबह 5 बजे तक मेरा बच्चा को फिट चलते ही था, चलते ही था, चलते ही था। डॉक्टर आके देख के चला गया लेकिन दोबारा नहीं आया सर। उसके बाद सुबह आया तो मेरा बच्चा का तो ऊपर कोमा में चले गया था सर। यहाँ में आगे जाके कोई बच्चे का सर ऐसा नहीं होना सर, प्लीज कुछ करिए। मेरा बच्चा पूरा गुन गुन उल्टी कर, सुबह होते होते मेरे बच्चे का नाक मुंह सबसे खून आ गया था। तो आप लोग ये बात लेके जब एमएस से भी बात की है, आपका भाई बता रहा था जी, तो एमएस क्या कहा? आज जाके बात करी, आज जाके बुआ बात करी तो बोलते हैं कि हम लोग मानते हैं यहाँ में कुछ फैसिलिटी नहीं है और बच्चों को अंदर से ब्लीडिंग हुआ, इतना जल्दी जल्दी हुआ कि हम लोग कुछ नहीं कर सके, ऐसा करके बोलते हैं। और बोलने भी बोलता कि हम एलिस डॉक्टर से डिस्चार्ज मांगी सर, हम ऐसा कुछ मांगा ही नहीं, मेडिकल से डिस्चार्ज नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगी, हम इतने ही सोच के था मेरा बच्चा कोई बुखार आता जाता है, हम एकदम ठीक होने का बाद घर आएगी सर। मेरा बच्चा 5 बजे तक इतना अच्छा से खेला लेकिन 8 बजे का बाद मेरे बच्चे को क्या हुआ नहीं मालूम। हम पूछी भी थी डॉक्टर से, डॉक्टर रुके रुके कुछ नहीं है बच्चों को, कुछ नहीं है ठीक है ऐसी करके बोलते थे। और क्या बोलेगी सर, बस इतना ही है यहाँ में। और आगे जाके कोई बच्चा का सदा ऐसा नहीं होना सर, मेरा बच्चा बहुत तड़प के मरा, पूरा तड़पा मेरा बच्चा। डॉक्टर लो रात के समय आके एक बार आगे से देखेंगे, दोबारा आए ही नहीं बच्चों को देखने। आप मानती है कि ये हॉस्पिटल के गलती के वजह से जो है, लापरवाही के वजह से बच्ची का डेथ हुआ? जी जी जी, अगर डॉक्टर लो रात को भी आके उसका पास ही रहता, उसका साथ ही रहता, अगर उस लोग कुछ करते रात ही रात, अगर किस बच्चा को कहीं बोल्डर कहीं सर भेज देता सर, मेरा बच्चा बच जाता था। जब वही हम भी पूछना चाह रहे हैं कि आप जब जी जब बच्ची का तबीयत बिगड़ रहा था तो आप लोग रेफर के लिए क्यों नहीं बात किए? सर मतलब डॉक्टर उसमें था ही नहीं जो रेफर करने का बात करेगा सर, आया सुई मारा चले गया। और मेरा दिमाग, हम अकेली थी हस्बैंड का साथ में, हम क्या करना क्या नहीं करना, हम रेफर रात को हम किससे बोलेगी सर, उन लोगों को आइडिया रहना ना, मेरा बच्चा इतना सीरियस हो गया, डॉक्टर क्यों है सर, किसी का जान बचाने के लिए है ना, मेरा बच्चा दोबारा नहीं आएगा। ठीक है मैडम, बात करने के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।